So, hey guys, so back to my channel. तो जस वीडियो में हम लोग दोबारा खेल रहे हैं पोकेमोन लेजेंड्स रेड और जस वीडियो में ना हम लोग अपना लास्ट जिम बैज जीतने जा रहे हैं जो कि है अर्थ बैज। हमने बाकी सारे बैजेस जीत लिए हैं और इस जिम ट्रेनर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है। इस जिम का नाम तक नहीं दे रखा, कौन से टाइप का जिम लीडर है ये भी नहीं दे रखा। इनसे पूछते हैं, वो जिम लीडर वापस आ चुका है जो पहले नहीं था, ठीक है। कौन है वो? चैंप इन द मेकिंग, इवन आई डोंट नो द विरिडियन लीडर्स आइडेंटिटी। इसे खुद नहीं पता कि विरिडियन सिटी का जिम लीडर है कौन। बट आई थिंक दिस विल बी टफेस्ट ऑफ ऑल द जिम लीडर्स। आई हियर द ट्रेनर्स हेयर लाइक ग्राउंड टाइप। ओके, तो ये ना सबसे टफेस्ट बैटल होने वाला है अभी तक का जितने भी हमने जिम बैज लड़े हैं। और ये कह रहा है कि सुनने में आया कि वो ग्राउंड टाइप मूव्स पोकेमॉन्स को यूज़ करता है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे ऐसा बनना है तो मुझे यहाँ से पहले पजल सॉल्व करके वहाँ जाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे भी लिखा है कि लीडर खुद नहीं दे रखा है यहाँ पर, लेकिन विनिंग ट्रेनर गैरी जरूर दे रखा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं जो देख रहा हूँ ना वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ का जिम लीडर टीम रॉकेट का लीडर जियोवानी है जो कि एक क्या कहेंगे इसे, ग्राउंड टाइप जिम लीडर ही कहेंगे इसे। और इसे तो यार मैं बहुत बार हरा चुका हूँ। तो चलिए फिर बैटल करते हैं। वेलकम टू माय हाइड आउट। ये कैसा हाइड आउट हुआ भाई? बस दो पोकेमोन है, ठीक है। हाँ गाइज, मैंने ना ये जायगार्ड, जो मैंने जायगार्ड की फर्स्ट कोर पकड़ा था उसे मैंने इवॉल्व करके जायगार्ड 50 बना दिया है। और मैंने ना वो गार्चोम्प हटा दिया अपनी टीम से क्योंकि वह जायगार्ड आ चुका है अपने पास, ठीक है। ड्रैगन डांस ये अर्थक्वेक, ठीक है। दूसरा पोकेमोन भेजते हैं ग्रेनिंजा। भाई ये क्या था? चलो अपना वो भेजते हैं चार्जार्ड, ठीक है। चार्जार्ड जाओ। अब तुम मेगा इवॉल्व और ब्लास्ट बर्न, ठीक है भाई खत्म। बड़ा इजी काम था इसे हराना। भाई ये इट वॉज अ ट्रूली इंटेंस फाइट। कुछ भी इंटेंस नहीं था यार इसमें। अर्थ बैज हमें मिल चुका है। ओ हमारा जायगार्ड इवॉल्व हो रहा है, हमारा जायगार्ड 100 में बदल चुका है। द अर्थ बैज मेक्स पोकेमोन ऑफ एनदर वर्ल्ड क्वेश्चन। ओके, इसने हमें TM26 दिया जिसमें अर्थक्वेक है। ओके, तो चलिए फिर गाइस चलते हैं जल्दी से यहाँ से अब। ओके, तो अब मैं फिलहाल पहले तो अपने पोकेमोन्स को हील करवा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे वहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको मैप में, पर एक जगह जा रही है रोड 24 से विक्ट्री रोड और इंडिगो प्लेट्यू तक। तो अभी मेरा यहीं जाने का प्लान है। पूरा आइलैंड पूरा मैप हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अभी चलते हैं फिलहाल जल्दी से। गाइस अभी ना यहाँ पर गैरी आ चुका और ये बोला व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर, ठीक है। हाँ मैंने भी सारे बैज कलेक्ट कर लिए और ये हमसे एक बैटल चाहता है। तो चलिए भाई, कैसा लग रहा है यार ये ड्रैगन डांस? अजीब सा ही लग रहा है। जायगार्ड सुपर पावर, ओबे भाई अर्थक्वेक, फिर से अर्थक्वेक। यार ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? ठीक है इस बार पड़ा, ठीक है। हुपा शैडो बॉल फुल रिस्टोर, साइकिक, ठीक है खत्म। नेक्स्ट पोकेमोन भेज अपना कोर्व नाइट। ओके, साइकिक फिर से, आयरन डिफेंस साइकिक के सामने काम करते हैं क्या? शैडो बॉल, ठीक है। ओके ड्रैगनपोल्ट भेज रहा है ये साइकिक। ओके कोई बात नहीं, जाओ पिकाचू। थंडर, भाई ये क्या था? ग्रेनिंजा हाइड्रो पंप, ओ नो हाइड्रो पंप। यार क्या कर रहा है यार, समझ तो आ नहीं रहा। फ्लाई ब्लास्ट बर्न,
ठीक है भाई। मैंने ना पहली बार देखा है बैटल में अपना पोकेमोन विड्रॉ करते हुए अपने ओपोनेंट को। ग्रेनजा को रिवाइव करके उसके कोलोसल को तो हरा दिया है। अब वो नेक्स्ट लाइकेंड्रॉक भेज रहा है, मैं यही पोकेमोन रखूँगा सर्फ। ठीक है ख़त्म। अब आ रहा है ड्रैकपुल्ट, तो हाइड्रोपम ओ नो, ठीक है कोई बात नहीं। अब ड्रैगन क्लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट पोकेमोन आ रहा है इसका, ये तो मैं भेजूँगा नहीं यार, ज़ायगार्ड को ही रखते हैं। सुपर पावर, ये तो यार इफेक्ट ही नहीं करा भाई। ये क्या कर रहा है ज़ायगार्ड? अर्थक्वेक, ड्रैगन क्लॉ, ओ नो पीपी नहीं बचा। ओके कोई बात नहीं, सब टाइल से ख़त्म करते हैं मैच। चलिए हमने उसे अभी तक बैटल में नहीं लिया, ठीक है। सेप्टाइल स्ट्रेंथ, तो गाइस हमने गैरी को भी हरा दिया है फाइनली, ठीक है। डेट लूजन्ड मी अप, आई एम रेडी फॉर द पोकेमोन लीग, यू नीड मोर प्रैक्टिस। भाई मैंने तुझे हरा, तुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट हे यू नो डैट आई एम आउट ऑफ एयर्स। मैं लिया तो ये भी चला गया है वहाँ से, और अब मैं चलता हूँ यहीं पर। अब यार पोकेमोन के पहले आ गए, यहाँ पर आ गया हूँ मैं भी, और चलते हैं फिर अंदर। फिलहाल ये डेट्स द बोल्डर बैज, ओके, मतलब हमारे पास यहाँ जाने के लिए 8 के 8 बैज होने चाहिए। कैसेड बैज भी है मेरे पास, ठीक है। थंडर बैज भी है, ओके। यहाँ पर कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। रेनबो बैज भी है, और यहाँ से सर्फ करके जाना पड़ेगा। सोल बैज भी है मेरे पास, और क्या है भाई यहाँ पर मेरे पास, मार्श बैज भी है, ओके। और मैं आ चुका हूँ और आगे, और यहाँ पर मेरे पास वोल्केनो बैज भी है, लेट्स गो। और यहाँ पर क्या है भाई, और आगे अर्थ बैज, फाइनल बैज, ओके हमारे पास है। तो अब ये कौन सी जगह है भाई, विक्ट्री रोड गेट पोकेमोन लीग। और गाइस हम आ चुके हैं अभी विक्ट्री रोड में, तो चलिए फिर करते हैं इसे एक्सप्लोर। यहाँ पर ना ये पूरा केव टाइप बना हुआ, और यहाँ पर ना ऐसा कुछ मतलब काम का तो है नहीं, यहाँ पर बस पोकेबॉल्स हैं और कुछ भी नहीं है वैसे तो यहाँ पर। ओके ट्रेनर है एक साइकिक, भाई 100 लेवल का है यार वो, लेकिन कोई बात नहीं, साइकिक के सामने नहीं टिक सका। हेडबट, ठीक है ख़त्म। यार अभी ना यहाँ पर तो ऐसा क्या है, ओके एक और ट्रेनर है गैस, यहाँ पर एक और ट्रेनर है, ये सब है यहाँ पर। तो गैस अब शायद से हम इस केव से बाहर निकलने वाले हैं, ओके। यहाँ पर हिलबर्ट है, हे हे कुलवीर, यहाँ मेरे पास भाई सारे बेज आ चुके हैं। आई थिंक यू आर रेडी फॉर द लेट 4 and 2 बी अ पोकेमोन मास्टर, हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक बैटल करना चाहता है भाई, आज गैरी ने ये बैटल करी और ये भी बैटल कर रहा है, कोई बात नहीं भाई सबको करने देते हैं, आखिर में तो हम ही जीतेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोकेमोन भेज रहा है वो कौन सा, रैशीराम, तो हुपा जाओ भाई, ये बहुत तगड़ा पोकेमोन है इसलिए तो मैंने हुपा को भेजा। शैडो बॉल, भाई हुपा क्या करके आया, ठीक है। थंडर वेव, भाई अर्थक्वेक, फिर से अर्थक्वेक, ओके फाइनली रैशीराम गया। सेमी रॉड भेज रहा है ये, ड्रैगन क्लॉ, भाई नहीं नहीं हो पाएगा। जाओ सेप्टाइल, लीफ ब्लेड, गीगा ड्रेन, अबे यार चलो कोई बात नहीं, अच्छा वो था, ठीक है ख़त्म। एम्बोर भेज रहा है ग्रेनिंजा, जाओ सर्फ, ओके सब टाइल, लीफ ब्लेड, भाई फुल रीस्टोर,
मेरे पास नहीं है यार फुल रिस्टोर, सब टाइल भी है, चार्जार्ड बचा है, जाओ चार्जार्ड, मेगा इवॉल्व। ठीक है ख़त्म भाई, मैं पहले ना थोड़ा रिवाइव दे के रखता हूँ कुछ पोकेमॉन्स को, ताकि ये चला जाए तो कुछ तो रहे यार। ठीक है ज़ाइगार्ड को दे दिया मैंने, ओके और ये चला भी गया। ठीक है तो अर्थक्विक, ठीक है लास्ट पोकेमॉन है ड्रैगन क्लॉ, भाई बच गया यार, मैं रिवाइव देना पड़ेगा, चार्जार्ड को दे देते हैं। ठीक है जाओ चार्जार्ड, फायर ब्लास्ट। ठीक है भाई हिलबर्ट को तो हरा दिया, इट्स फन टू बी अ पोकेमॉन ट्रेनर, आई डिड माई बेस्ट ऑन द कांटो रीजन, आई थिंक आई विल गो बैक टू यू नो व्हाट टू रेस्ट अ बिट एंड स्टार्ट माई एडवेंचर इन अनदर रीजन। ठीक है आई विश यू गुड लक, आई सी यू लेटर माई फ्रेंड। तो अब ये दोबारा किसी और रीजन में जा रहा है अपना वो करने के लिए, और ये मैं कहाँ आ चुका हूँ भाई, ओके यहाँ पर, ओ ये कौन सी जगह यार, पहले अपने पोकेमॉन्स हील करवा लेते हैं। यहाँ पर ये चैंपियन में, ओ एलाइट फोर, यहाँ पर एलाइट फोर, और ये कौन भाई है भाई, ओके और तुम क्या हो, गोस्ट है पर हॉरिफिकली टेरिफाइंग एंड टफनेस, आई टुक माई फाइटिंग माई पोकेमॉन एंड रेज देम टू द मैक्स, ओके ठीक है ये तो पता है हमें। और यहाँ पर एक मार्ट भी है भाई, मतलब सब कुछ है यार यहाँ तो, हम बाय कर सकते हैं अल्ट्रा बॉल, ग्रेट बॉल, फुल रिस्टोर करता हूँ यार, पहले तो मैं बहुत सारे फुल रिस्टोर। ठीक है 27 काफ़ी हैं, फुल हील भी नीचे, अभी मैक्स पोशन भी ले लेते हैं, पूरे के पूरे 20,000 के आ जाएंगे, और फुल हील भी नीचे रिवाइव, इतना पैसा नहीं रहा अभी हमारे पास। ठीक है और यहाँ पर ये हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है इसने, इंडिगो प्लेट्यू में आ चुके हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ ट्रेनर्स, आई एम सॉरी बट यू हैव वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर, भाई मैं इतने भाई वेस्ट क्यों करा, लॉरेली ऑफ द लाइट फॉर इज एब्सेंट यू सी, एज अ रिजल्ट द पोकेमॉन लीज इज क्लोज्ड फॉर द टाइम बीइंग, भाई यहाँ पे लॉरेली ही नहीं है तो मैं यार एलाइट फोर में बैटल भी नहीं कर सकते हम, तो पता नहीं गाइस अब ये लॉरेली कैसे आएगी यहाँ पर। तो चलिए फिर आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, आज के इस वाले वीडियो में हमने जिम लीडर जियोवानी को हराया और विक्ट्री रोड को एक्सप्लोर किया और गैरी को हराया, हिलबर्ट को हराया, और हम यहाँ आ चुके हैं यहाँ पर इंडिगो प्लेट्यू पर। तो चलिए मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।